हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना और स्वागत है आपका अपना चैनल वंदनास किचन एंड गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रोकली सूप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ब्रोकली सूप बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने किचन गार्डन से ब्रोकली का हार्वेस्टिंग कर लेंगे। ब्रोकली काफ़ी बड़ा और सुंदर हो चुका है। हमने इसे ऑर्गेनिक खाद में उगाया है। इसका सूप भी काफ़ी टेस्टी होगा। ब्रोकली सूप बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 200 ml पानी लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज के कटे हुए प्याज, एक तेजपत्ता और लगभग 250 ग्राम ब्रोकली। ब्रोकली को हमने काट के साफ पानी में 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, अब इसे ढक के पकने देते हैं। 5 मिनट हो चुका है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ब्रोकली अभी ठीक से पका नहीं है तो इसे और थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। 7 मिनट हो चुका है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ब्रोकली हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के बाद इसका प्यूरी बना लेंगे। तेज पत्ते को हटा देना है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। इसका पानी को नहीं फेंकना है, इसमें काफी ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। इसे ठंडा होने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है। अब पैन में 2 चम्मच राइस ब्रान ऑयल लेते हैं और उसे गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 7 से 8 लहसुन की कली और 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने बारीक कट कर लिया है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप राइस ब्रान ऑयल की जगह बटर या फिर तेल का भी यूज कर सकते हैं। लहसुन और अदरक हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें ब्रोकली की प्यूरी को डाल देते हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और इसमें एक उबाल आने देते हैं। हमने इसे चलाते हुए 1 मिनट के लिए उबाल लिया है, अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। हमारा ब्रोकली सूप तैयार है, हमने इसे सर्व कर दिया है। आपको हमारा आज का ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।